हेलो सर, इसको बोलते हैं शटल। ये है F4 मशीन। इसके शटल की टाइमिंग बताने जा रहे हैं हम। ये होता है शटल। शटल को ये जिधर मर्जी घुमा लो, ये सिरा हमारा होता है अंदर जाने का। इधर से डालोगे नहीं जाएगा। ये सिरा हम यहाँ पर ऐसे रख के इसको ऐसे डालते हैं। धक्का नहीं करना, प्यार से चला जाना। और इसको बोलते हैं स्टॉपर। ये शटल को स्टॉप करके रखता है। इसको बोलते हैं स्टॉपर। इसको यहाँ पे ऐसे लगाया और इसके घाट में जाके बैठा दिया। ये होता है स्टॉपर का नट। इसको बोलते हैं स्टॉपर नट। इसको ऐसे लगाया, यहाँ से टाइट कर देते हैं। और एक चीज़ का हमें ध्यान देना है, टाइट जब हम पूरा करेंगे स्टॉपर को, पूरा ऊपर उठा के टाइट करेंगे स्टॉपर। यहाँ टाइट किया, पूरा ऊपर करके फिर टाइट करेंगे। इससे हमारा क्या होता है, सुई नहीं तोड़ेगा और दूसरा नंबर लच्छा नहीं मारेगा। अब हम मशीन को करेंगे सीधा। और इसकी टाइमिंग अभी ये देखो, हम शटल को ऐसे पकड़ लेंगे और सुई जहाँ मर्जी हो, सुई जब ऊपर से नीचे से जब ऊपर आने लग जाए सुई, और सुई के जो बीच में घाट होता है उसके साथ से गुजरना चाहिए शटल का नोक, ऐसे ना उसमें टच करे ना उसमें गैपिंग हो, फिर हमको हल्का टाइट कर देना। वन स्क्रू टाइट करके हमने चेक करना था, ना टच करे ना लड़े। ये ध्यान रखना, हम जब सुई गज से ऊपर आने लग जाए, जब सुई नीचे से ऊपर आने लग जाए तभी उसकी टाइमिंग होगी। नीचे जाने लग जाएगी तब टाइमिंग नहीं होगी। फिर इसके बाद हमें तीनों नट टाइट कर देंगे। ये हो गया हमारे शटल की टाइमिंग। ये उसको बोलते हैं निडल प्लेट। इसको बोलते हैं प्रेशर फुट, प्रेशर बूट। इसको बोलते हैं स्लाइड। ये होता है प्रेशर बूट। इसको यहाँ पे ऐसे लगाया टाइट कर। ओके, अगर और वीडियो के लिए चाहिए हो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।